रूपेश ट्विटर पर कवर पिक लगाकर खुल्लम खुल्ला जाहिर करता है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के खून का प्यासा है। पकड़ लिया, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी है। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शन। तो फाइनली ध्रुव राठी का पार्ट टू आ चुका है, जिसके लिए पब्लिक बेसब्री से वेट कर रही थी, बेंतिया वेट कर रही थी, यानी कि इल्विश यादव को लेके पार्ट टू निकाल लिया ध्रुव राठी ने, जहां पे आप सभी को बताऊंगा आज से ठीक 2 वीक पहले ध्रुव राठी ने ये वाला पार्ट निकाला था, जहां पे इल्विश यादव के वीडियो का काउंटर दिया था। काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जा। और उसी के साथ अब सुधा दूं, अभी इस वीडियो पे 2 वीक हो चुके हैं, आपको दिख ही रहे होंगे 27 मिलियन के करीब करीब व्यूज हो चुके, 2.5 मिलियन लाइक हो चुके हैं, आपको कमेंट भी दिख ही रहे होंगे। लेकिन ऐसे मैं आपसे बता दूं, जब ध्रुव राठी ने ये वीडियो के अंदर आगे ये बोला था कि मैं पार्ट टू लाने वाला हूं, तो जब इसे पब्लिक कमेंट करना शुरू कर दी थी कब आएगा उसका बेसब्री से वेट कर रही थी, तो फाइनली पार्ट टू आ चुका है। और ये है 35 मिनट का, जिसके अंदर ध्रुव राठी ने जो बाकी के उनके क्लेम थे, जो बाकी के काउंटर मांग रहे थे इल्विश यादव, उन सबका रिप्लाई देते हुए बहुत सारी चीजें बोली। लेकिन ऐसे मैं आपसे को ध्रुव राठी की इस वीडियो में से 4 पॉइंट बताने वाला हूं, 4 छोटे-छोटे क्लिप बताने वाला हूं, जहां पे ध्रुव राठी ने इल्विश यादव पे सवाल उठाते हुए 4 इंपॉर्टेंट चीज पे बात की। हालांकि ध्रुव राठी ने कई सारी चीजों का रिप्लाई दिया इल्विश यादव के, लेकिन जो 4 चीजें, मतलब जो 4 पॉइंट है, जो 4 वीडियो के मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले मुनार फारूकी को लेकर सवाल उठाया, दूसरे नंबर पर आपको बता दूं मुसलमानों से नफरत को लेकर सवाल उठाया, और तीसरे नंबर पर हिंदू धर्म की इंसल्ट करने को लेकर सवाल उठाया, और बहुत सारी वीडियो भी दिखाए, और तीसरे नंबर पर इल्विश यादव को सलाह भी दी, कई सारी सलाह दी, मतलब 10 पॉइंट के जरिए सलाह दी। तो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बता देता हूं, सारे वीडियो दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए सके अपडेट लाते रहता हूं, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले वीडियो दिखाता हूं, सबसे पहले क्लिप बताता हूं, जहां पे इल्विश यादव और मुनार फारूकी के लेके क्या बोले ध्रुव राठी, आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। बिल्कुल तेरी तरह, तू पहले मुनावर फारूकी के साथ क्रिकेट खेला सेक्युलर बनकर, आपस में हंस रहे थे, जादू की झप्पी दे रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी, ये देखिए वो, सॉरी गलत वीडियो चल गया, ये देखिए। तो हम लोग ने बैटिंग चूज किया है, पहली बॉल आउट हो गया जाएंगे, और सभी हुआ, बट वैसे पूछा गया कि आप करते गए उसमें, हां भाई वैसा वाला बैटिंग। ओहो फिर से गलत वीडियो चल गया यार, एडिटर आम चूसना बंद कर, थोड़ा एडिटिंग पर ध्यान दे। तो अपोजिट टीम के मेन प्लेयर हमारे साथ है, एक ट्विटर यूजर ने इस चीज को पॉइंट आउट करके कहा कि एल्विश तू तो हिंदू विरोधी गद्दार निकला। अब इस पर एल्विश कह सकता था कि भाई जो भी मामला था उस पर मैंने मुनावर से बात करी, उसने जो कहा था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो जोक दरअसल बॉलीवुड के एक गाने पर था, लेकिन फ्लो में उसने कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल किया, इसके लिए वो पहले से ही माफी मांग चुका है। एल्विश कह सकता था कि हिंदू धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, माफ करना सिखाता है। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे 1 घंटे बात कर लेना, नफरत कर नहीं पाओगे। लेकिन अब क्रिकेट मैच तो खत्म हो चुका था और एल्विश को अपनी नफरत की दुकान भी चलानी थी, तो एल्विश ने किया क्या, उसने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बस क्रिकेट मैच था, ऐसे ही मैं चला गया, मैं तो बस मुनावर को चिढ़ा रहा था, यानी कि जरूरत के हिसाब से सेक्युलर से तू कॉम्युनल बन गया, और जब बाद में फिर से क्रिकेट मैच आ गया तो तू फिर से सेक्युलर बन गया। मतलब तू बिल्कुल औरंगजेब की तरह था, जहां कॉम्युनल होकर फायदा मिले वहां कॉम्युनल, जहां सेक्युलर होकर फायदा मिले वहां सेक्युलर, बिल्कुल 1 नंबर का अवसरवादी, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट। सच बात तो यह है कि तेरी खुद की कोई विचारधारा ही नहीं है, तेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तू जो भी करता है सिर्फ पैसे और फेम के लिए करता है। हाँ तो आपने पहला क्लिप देख ही लिया होगा, लेकिन मैं आपको दूसरा क्लिप दिखाता हूँ, जहाँ पे मुसलमानों की नफरत को लेके ध्रुव राठी ने किस तरह से एक्सपोज करने की कोशिश करी इल्विश यादव को, आप सबसे पहले वो भी क्लिप देख लीजिए। ट्विटर प्रोफाइल पर जो कवर पिक लगी है उसे देखो, जानते हो किस फिल्म का स्क्रीनशॉट है, एक बॉलीवुड फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट है, फिल्म का नाम है शौर्य, जो हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल और हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन से इंस्पायर्ड है, जिसकी फोटो एल्विश ने लगाई है। ये कैरेक्टर फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन है, ब्रिगेडियर प्रताप, जिसके मुस्लिम सर्वेंट जमील ने कम्युनल क्लैशेस के दौरान उसके परिवार को खत्म कर दिया, तब से उसके मन में सभी मुसलमानों के प्रति नफरत थी और वो सभी मुसलमानों का सफाया कर देना चाहता था, इसलिए वो अपने जूनियर मेजर राठौड़ को ऐसा करने के लिए कहता था। बोलो ये लोग हमें खा जाएंगे, भैया बिहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। फिल्म के आखिर में जब ये रिवील होता है तो इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर प्रताप को ड्यूटी से रिलीव कर देती है, केस चलाने का ऑर्डर देती है और गिरफ्तार कर लेती है। तो बेसिकली ये फिल्म हमारी इंडियन आर्मी के ऑनर और प्रिंसिपल्स को दिखाती है कि जो भी ऑफिसर आर्मी के प्रिंसिपल्स पर कलंक लगाता है उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जैसे कि 2018 का न्यूज आर्टिकल देखिए, बीजेपी नेता और उस समय के आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक जनरल कोर्ट मार्शल वर्डिक्ट को वेलकम किया, जिसमें कि एक मेजर जनरल सहित 7 आर्मी पर्सनल्स को 1994 फेक एनकाउंटर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का जुडिशियरी और आर्मी में विश्वास मजबूत होगा। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है दोस्तों, सेवा परमो धर्म। लेकिन इस बेवकूफ एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी के ऑनर एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी? ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। पर मैं चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा। पिछले साल अक्टूबर में इसराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ, जिसमें 350 इसराइली मारे गए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था यहां पर, उसके बाद इसराइल ने अटैक किया। अब तक गाजा में 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध के इंटरनेशनल रूल्स जैसी चीज को इसराइल ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। रिसेंटली एक हमला हुआ
राफा शहर में एक टेंट कैंप पर जहां 45 लोग मारे गए। इसमें आधे से ज्यादा औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। इस मैसेकर पर ग्लोबल आउटरेज देखने को मिली। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाजा में कोई सेफ जगह नहीं है, यह हॉरर रुकना चाहिए। पेरिस में 10,000 लोगों ने इजरायली एम्बेसी के बाहर डेमोंस्ट्रेशन किया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इजरायल को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतार, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस सब ने एक स्टेटमेंट जारी करी है और ऑल आईज ऑन रफा वाली एक AI इमेज ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों ने सर्कुलेट करी। बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जो इंडियन सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इस पर तो बोल पाते हैं। हमारे देश की सरकार ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि हम पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ राफा के कैंप में सिविलियन लाइव्स का हार्ट ब्रेकिंग लॉस गहरी चिंता का विषय है। इस सब के चलते खुद इजरायली मिलिट्री ने भी कहा कि नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी जो लोग लड़ नहीं रहे थे उनको नुकसान पहुंचाने पर हम खेद प्रकट करते हैं। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे एक ट्रेजिक एक्सीडेंट कहा और इजरायल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करी। लेकिन एल्विश ट्विटर पर कवर पिक लगाकर खुल्लम खुल्ला जाहिर करता है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के खून का प्यासा है। उसने ऑल आईज ऑन रफा वाली इमेज को मॉर्फ करते हुए लिखा ऑल आईज ऑन POK। अब ये सही बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हिंदू, सिख, ईसाई और एथिस्ट जैसी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इनकी बहुत बार बात करी है। लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि POK में जुल्म हो रहा है तो रफा में लोगों को मरने दो? ऐसा तो नहीं है कि रफा के उन बच्चों ने POK में अत्याचार किया? क्या एल्विश जैसे गोदी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ हैं? चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स बात करते हैं सेलेक्टिव आउटरेज की, लेकिन गोदी इकोसिस्टम के बेशर्मों, तुमसे ज्यादा सेलेक्टिव है कोई? जब मैंने ये वीडियो बनाई थी मैंने खुलकर कहा था इसमें कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इन गोदी इन्फ्लुएंसर्स को ये बोलकर दिखा दें। सच बात यह है कि ये हर अन्याय के खिलाफ नहीं है, इनके मन में नफरत भरी हुई है एक कम्युनिटी को लेकर। हाँ, तो आपने ये भी क्लिप देख ली होगी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिटेल के साथ बताया। इस पर आपका क्या बोलना, आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आपको लगता है कि एल्विश यादव मुसलमानों से नफरत करते? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जहाँ पे एल्विश यादव कई सारे वीडियो दिखाया दूर राडी ने कि एल्विश यादव किस तरह से हिंदू धर्म की इंसर्ट करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई। आप सबसे पहले ये भी वीडियो देख लीजिए। एंटी हिंदू वीडियोज़ की बात करी थी एक पिछले वीडियो में। एक वीडियो था जहाँ तो चिलम को भोले का प्रसाद बता रहा था, भगवान शिव को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। ये वीडियो अब तूने हटा लिया जो कि अच्छी चीज है, तो तेरी तारीफ की जानी चाहिए, गुड बॉय। दूसरा वीडियो था जहाँ तू हिंदू मंत्रों का मजाक उड़ा रहा था। ओ पंडित, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी भाखरवा दे जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी भाखरवा दे जल्दी। वो वीडियो भी अब तूने हटा लिया, फिर से गुड बॉय। लेकिन दो और तेरी मैंने वीडियोस बताई थी। एक जहां तू पीछे जय श्री राम लिखकर कहता है कि ये ऐप इंस्टॉल करो, यहां कैडी कैडी स्ट्रीमर्स मिलेंगी, स्वाद आ जाएगा, तूने कहा। बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो, बाहर के हो, 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। इस पार्ट को तूने अभी तक हटाया नहीं है, तो इस पार्ट को रिमूव कर दे। भगवान राम का पीछे नाम लिखकर ऐसी छिछोरापंती करना अच्छा नहीं होता। एक चौथी वीडियो है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जहां तू हनुमान चालीसा का मजाक उड़ा रहा है। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, लोग उजागर, राम दूत, तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये वीडियो तूने अभी तक नहीं हटाई है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। टाइम कोड है 550 से लेकर 608, 851 से लेकर 905। अब इस वीडियो को देखने के बाद इस पार्ट को ट्रिम कर दियो। अब अगली बात यह है कि तू भगवान राम की तस्वीर लगाकर एक हुडी बेच रहा है, धर्म के नाम पर अपना बिजनेस चला रहा है। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि तू हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हाँ, तो आपने ध्रुव राठी की ये भी क्लिप देख ली होगी जहां पे ध्रुव राठी ने क्लियरली बहुत सारी चीजें बताकर क्या बोला कि हिंदू धर्म की इंसर्ट करता है एल्विश यादव। तो इस पर आपका क्या बोलना, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब तो मैं आपको जो आखिरी पॉइंट बताने वाला हूं, जहां पे ध्रुव राठी ने सलाह दी, टास्क दिया है कि तू अच्छा बन जाए, हम साथ में मिलकर काम करें। तो उन्होंने कौन कौन से पॉइंट बताए, कौन कौन सा टास्क दिया एल्विश यादव को, आप सबसे पहले वो भी वीडियो देख लीजिए। 10 टास्क तेरे को देना चाहूंगा, ये 10 चीजें कर ले ताकि तू अपने फॉलोअर्स को सुधार सके और हम साथ में मिलकर समाज को और देश को सुधार सके। नंबर 1, नफरत फैलाना और देश को तोड़ना बंद कर। इस नरसंहार समर्थक कैरेक्टर की कवर पिक को हटा दे अपने ट्विटर प्रोफाइल से और स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे किसी संत रूपी इंसान की तस्वीर लगा। फिर ट्वीट कर भारतीय एकता जिंदाबाद, तब जाकर फिर खुद को राष्ट्रवादी कहना। नंबर 2, जनता की, देश के, यूथ की आवाज तू उठाए, ये तुझसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, शायद तेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। लेकिन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करना बंद कर, ये सारी घटिया ऐप्स देश के को गलत दिशा में ले जा रही है। अगर तुझे स्पॉन्सर चाहिए एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर दियो, मैं तुझे स्पॉन्सर्स लाके दूंगा। नंबर 3, जो एंटी हिंदू वीडियोस हैं तेरे चैनल पर, भगवान राम का नाम लेकर जो छिछोरापंती करने वाली वीडियोस हैं और हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाने वाली वीडियोस हैं, उन पोर्शंस को क्लिप कर दे अपने वीडियो से, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। नंबर 4, जिस हुडी पर तूने हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट किया उसको रीडिजाइन कर ले, उस वाली हुडी को हटा दे और एक ऐसे कोट का इस्तेमाल कर जो एक्चुअली में हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो। नंबर 5, एक ये तेरी वीडियो है होली पर भांग पीकर सेट हो गए, उस वीडियो को हटा दे। अगर तुझे नशा करना है तो तू कर ले, तेरी मर्जी है, लेकिन देश के यूथ को इस गलत डायरेक्शन में मत लेकर जा। नंबर 6, जिस वीडियो तू और तेरे दोस्त उस सेल्स गर्ल के बारे में नॉनसेंस बात कर रहे हैं, वो घिनौना वीडियो हट जाना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता जहां किसी छिछोरे एक्सप्रेशन के साथ तुम किसी लड़की की डिग्निटी पर अटैक करने लगो। नंबर 7, क्लास 7 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक उठा और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है एक बार उसे रिवाइज कर ले। भाई खुद क्या दिखा रहे हो, तुम खुद बहुत सच्ची दिखा रहे हो, तुम गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है। गूगल करके गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है, इससे तुझे समझ में आएगा कि गोल्ड का भाव डिसाइड होने में सरकार का क्या रोल होता है। ये वाला आर्टिकल सामने आएगा, इसको एक बार पढ़ लियो, क्योंकि देख बेवकूफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है अगर किसी इंसान को उसकी बेवकूफी का एहसास ही ना हो। नंबर 8, मैंने देखा कि तूने गालियां देनी कम कर दी है, जो वीडियो तूने मेरे ऊपर बनाया था उसमें एक भी गाली नहीं थी,
बहुत ही अच्छी बात है, गुड बॉय। अब अपनी एल्विश आर्मी को भी रील बनाकर या ट्वीट करके कहे कि ये माँ बहन की गंदी गालियाँ आज से देना बंद कर दो। वो 295 गाने में एक लाइन है ना कि तेरी माँ और उसकी माँ में फर्क कुछ नहीं। ये अकल उन्हें थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन तुझे थोड़ी अकल आ गई है इस मामले में। इसलिए अब अपनी एल्विश आर्मी को भी सिखा, वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तू कोशिश तो कर अपनी तरफ से। नंबर 9, हथियारों को ग्लैमराइज करने वाले और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले तू बहुत गाने बना चुका है। अगला गाना किसी अच्छी चीज पर बना। हनी सिंह और बादशाह टाइप के गानों से जो गंदगी फैलती है, इसकी जगह कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर भारतीय संस्कृति में। और फाइनली टास्क नंबर 10, आखिरी चीज, बचपन में वो गेम याद है जो हम खेला करते थे, पोषम पा भाई पोषम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। याद रखियो कि ये बचपन का एक गेम था, तो रियल लाइफ में पोषण। हाँ, तो आपने ये भी वीडियो देखी लिया जहाँ पे किस तरह से एल्विश यादव को मतलब सलाह दी है ध्रुव राठी ने, तो आपको क्या लगता है कि एल्विश यादव की सारी सलाह मतलब मान लेना चाहिए, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताना। और आप सब दादू 35 मिनट के वीडियो के अंदर ध्रुव राठी ने कई सारे मुद्दों पे बात की, अगर आपको वीडियो देखना तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, बहुत लंबा वीडियो तो आप जाके देख सकते हो और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वाले 4 पॉइंट कैसे लगे आपको एल्विश यादव को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।